आज मकर संक्रांति है और आप सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। लोग दान पुण्य करके आज से तमाम नई चीजों की शुरुआत करते हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी ने। संक्रांति का है और ऐसे मौके पर जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और आज चूड़ा और दही तिलकुट खाने की परंपरा है, तो साथ में आज लोग जो है गरीबों को दान भी करते हैं। कहा जाता है दान करने से कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो कटते हैं, जो परेशानियां हैं वो कम होती है, और ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ऐसे मौके पे कुछ खाने को मिलती है, उनकी भी खुशियां होती हैं। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार गरीबों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं लेकर आते हैं और दान करते हैं। लेकिन पहाड़ी मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण रहा है वैसे में लोग अपने अपने घरों में हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं कि आज ये अभी दान कर रहे थे। एक मिनट भैया, मकर संक्रांति का मौका है, आपने गरीबों का भी ख्याल रखा? बोलिए। आपने गरीबों का भी ख्याल रखा? हम क्या ख्याल रखेंगे गरीबों का, ऊपर ऊपर वाला तो देने वाला, वही जब ऊपर वाला देता है तो नहीं, हम लोग भी इसी के माध्यम से देते हैं, है ना। कितना जरूरी होता है दान करना? जरूरी तो अपने ऊपर है, किसे क्या कैसे करे, किसी को जैसे दिया ऊपर वाला उसी हिसाब से करते हैं। एक माध्यम बनाता है और ऐसे समय में ऐसे गरीब तबके के लोगों का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर हम पहाड़ी मंदिर में देखेंगे तो उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं है, एक तरह का सन्नाटा है, और ये सन्नाटा यही कह रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से रहा है लोग अपने अपने घरों में रहकर ही पूजा कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।